नमस्कार, मैं हूं रमेश भट्ट और आज आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश देवभूमि का दिव्य बालक। ये बालक कोई साधारण बालक नहीं है। मैं इस बालक के लिए कहूं कि यह असाधारण है तो यह आपको मानना होगा। जिस प्रकार प्रह्लाद ने श्रीहरि विष्णु की पूजा की थी, ठीक उसी तरह यह बालक भगवान श्री कृष्ण के प्रति समर्पित है, अर्थात इसने स्वयं का समर्पण भगवान श्री कृष्ण के प्रति किया है। और आपको जान के हैरानी होगी कि इस बालक का नाम है प्रद्युम्न और भगवान श्री कृष्ण के पुत्र का नाम भी प्रद्युम्न था। और आज सबसे खुशी की बात यह है कि देवभूमि का दिव्य बालक देवभूमि डायलॉग के मंच पर हमारे साथ मौजूद है। बहुत स्वागत है प्रद्युम्न आपका, बहुत स्वागत है। तो शुरुआत में बेटा, मैं आपसे चाहूंगा कि आप कुछ हमें कुछ गीता से जुड़ा हुआ सुनाओ, भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी कोई बात बताओ। ओम यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतभ्युत्थान विधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं पवित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे भूमिरापो नलो वायुः खम्मन बुद्धिदेव च अहंकारम् इति यं मे भिन्ना प्रकृष्टा मत्ता परदरं यः कश्चन देगलेवरं दन्तं वेति कौन्तेय सदा। बस, तो हमने देखा कि प्रद्युम्न रुकने का नाम नहीं लेता। एक बात प्रद्युम्न शुरू हो जाए तो फिर वो श्लोकों के एक के बाद एक श्लोक प्रद्युम्न के मुखारबिंदु से निकलते रहते हैं। प्रद्युम्न कौन सी क्लास में पढ़ते हो बेटा? फर्स्ट क्लास में पढ़ते हो। और कब से आपने भगवान श्री कृष्ण के इन श्लोकों को पढ़ना शुरू किया? 4 years से। 4 साल से। अच्छा, तो मैं आपसे कुछ प्रश्न करता हूं प्रद्युम्न, आप उनका जवाब देना। भगवत गीता में जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कुरुक्षेत्र में उपदेश दे रहे हैं तो वो कौन से 3 गुणों का बात करते हैं? कौन से 3 गुण? गुण महिमा मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेतम तरंदिते। मेरी इस 3 गुणों वाली देवी शक्ति से बचना कठिन है, लेकिन जो मेरी शरण में आ जाता है वो इसे पार कर जाता है। क्या बात है, बहुत सुंदर प्रद्युम्न, बहुत सुंदर। अच्छा प्रद्युम्न, अगर हम ये बताना चाहें आपके मुखार बिंदु से कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में संदेश क्या दिया है? सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्व पापेभ्यो मुक्षयिष्यामि मा शुच। मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, डरो मत। वाह, बहुत सुंदर। और हम सब भगवान को कुछ ना कुछ अर्पित करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में क्या कहा है कि भक्त लोग मुझे क्या अर्पित करें? पत्रम पुष्पम फलम तो यम यो मे भक्ति अप्रियच्छति तदहं भक्तं प्रहितं वश्यामि प्रियात्मना। पत्र पुष्प फल तथा जल, कोई मुझे प्रेम से देता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। अच्छा वाह। अच्छा प्रद्युम्न, आप रोज श्लोक पढ़ते हैं? हाँ जी। कितना टाइम? 2 टाइम। 2 टाइम। आपने किससे सीखा ये? अपने पिताजी से। पिताजी से सीखा? पिताजी रोज करते तो आपने उनके साथ बैठ के सीखा, बहुत अच्छा। अच्छा ये बताइए कि कौन सा श्लोक आपको उनका सबसे प्रिय लगता है? पवित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे। अच्छा अच्छा, गीता का पहला श्लोक क्या है? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेदायुत्सव मामकः पांडवाश्चैव किं अकुर्वति सुजयः। दूसरा, दृष्ट्वातु पांडवानि गम्भीरं दुर्योधनस्य तत आचार्यं संगम्य राजा वचनम् अब्रवीत्। तीसरा, पश्चेतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यं महितिं च गम्भीरादुपुत्रेण तवशीशीन धीमतः। चौथा, अत्र शूरा महिष्वाश्व भीमार्जुना समायुधि युधानो विदाटश्च द्रुपदश्च महारथ। क्या बात है, आपने देखा ये वाकई बालक, ये असाधारण बालक है। ये बालक में मैं कहूंगा कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण की जिसके ऊपर कृपा होती है वही इस कलयुग में इतना धारा प्रवाह के होकर बोल सकता है। और 6 वर्ष की आयु में प्रद्युम्न इस तरह के कार्य कर रहा है कि हर कोई प्रद्युम्न को देखकर दंग है। और इसके पीछे जो है उनके पिता की एक बड़ी भूमिका है। उनके पिता जो है वो इस्कॉन से जुड़े हुए हैं और जब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के श्लोक पढ़ना शुरू किया उन्हीं से प्रद्युम्न सीखा। और 6 वर्ष की आयु है प्रद्युम्न की, क्लास फर्स्ट में पढ़ता है, लेकिन प्रद्युम्न जो है वो बिल्कुल अद्भुत है। अच्छा प्रद्युम्न, आप क्या सोचते हैं कि भगवान श्री कृष्ण में सबसे अच्छा क्या है? सुंदर। भगवान श्री कृष्ण सुंदर है।
अच्छा प्रद्युम्न इसके अलावा और क्या करता है? एक तो आप श्लोक पढ़ते हैं, श्लोक याद करते हैं, भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं, इसके अलावा आप क्या करते हैं? संकीर्तन। कीर्तन करते हैं, तो कुछ कीर्तन करके भी दिखा दीजिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे। क्या बात है, और क्या अच्छा लगता है प्रद्युम्न को? पंचतत्व मंत्र। वो भी वो क्या है जरा वो भी बताइए। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाशादि गौर भक्तवृंद। वाह बहुत बढ़िया। अच्छा प्रद्युम्न आगे बढ़ के क्या सोचा है, क्या करना चाहते हैं प्रद्युम्न? मैं शुद्ध भक्त बनना चाहता हूँ। शुद्ध भक्त क्या होते हैं? एक्सट्रीम डिवोटी। एक्सट्रीम डिवोटी बनना चाहते हो आप भगवान श्री कृष्ण के? अच्छा, और इसके अलावा कुछ अच्छा नहीं लगता प्रद्युम्न? कुछ अच्छा नहीं लगता? पापा के साथ कितने समय बैठते हो? कम से कम आधा घंटा। आधा घंटा, और आपने इतने कम समय में इतने सारे श्लोक याद कर लिए, बहुत बढ़िया प्रद्युम्न, बहुत बढ़िया, और बहुत ही अच्छा लग रहा है प्रद्युम्न के साथ। ऐसा लग रहा है कि प्रद्युम्न के साथ जो ये सत्संग है, ये मुझे लगता है ये रुकने वाला नहीं है। बाल्य अवस्था में इतना सुंदर पाठ श्री कृष्ण का तुमने किया है, बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं, और मैं तुम्हारे परिवार के लिए भी बहुत शुभकामनाएं देता। और कुछ आप कहना चाहोगे प्रद्युम्न? हरे कृष्ण प्रभु, हरे कृष्ण। तो आपने देखा प्रद्युम्न वाकई असाधारण है। इस नन्हे से बालक ने अपने जीवन को समर्पित कर दिया भगवान श्री कृष्ण पर, और भगवान श्री कृष्ण का अनन्य भक्त है प्रद्युम्न। जिस प्रकार प्रहलाद भगवान श्री हरि विष्णु के अनन्य भक्त थे, उसी तरह से प्रद्युम्न लगता है भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हैं। किस तरह से ये दिव्य बालक इस नन्ही सी अवस्था में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा दिए गए गीता के श्लोकों को धारा प्रवाह होकर बिना रुके बोलता है। हम इसी तरह के असाधारण बच्चों को आपके सामने लेकर आएंगे। इसी तरह से हमारी कोशिश ये रहेगी देवभूमि डायलॉग के मंच पर हम उन बच्चों को लेकर आए जो कुछ असाधारण कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद देवभूमि के दिव्य बालक की इस खास पेशकश को देखने के लिए। हम फिर हाजिर होंगे आपके सामने।